हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का थ्योरम नंबर यानी प्रमेय संख्या 6.4। देखो थ्योरम जो है ना बेहद ही आसानी के साथ समझ में आने वाला है, उसके प्रूफ को देखेंगे यानी प्रमाण को देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट आ रही है। लेकिन सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा थ्योरम क्या कह रहा है और इस थ्योरम में कौन कौन सी बातें आ रही है। हर बातों को हम बारीकी से यहाँ पर अध्ययन करने वाले, इसलिए वीडियो थोड़ा को छोड़ कर जाने की कोशिश मत करना, पूरी वीडियो देख काम की वीडियो है। चलो, यदि एक तिर्यक रेखा, सबसे पहली बात तो तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है, यदि कोई दो रेखा है उसको कोई एक रेखा काट रहा है दोनों ही रेखा को, तो वो रेखा जो है जो काट रही है ना जो रेखा, वो तिर्यक रेखा है। जैसे यहाँ पर ए बी और सी डी एक रेखा है और ई एफ क्या कर रहा है, ए बी और सी डी दोनों को काट रहा है, तो ई एफ क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। क्लियर है, चलो आगे करें। एक यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ ए बी और सी डी क्या है, समांतर है उसको एक तिर्यक रेखा, ई एफ क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री का होता है। तो ए बी और सी डी एक समांतर रेखा है और ई एफ एक तिर्यक रेखा है, जो ए बी और सी डी को एम और एन बिंदु पर, देखो एम और एन बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण, सबसे पहली बात देख लेते हैं अंतः कोण क्या है। तो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है ना, दो समांतर रेखाओं के जो बीच में कोण बनते हैं वो अंतः कोण होते हैं, मतलब 4, 5, 3, 6 ये कोण कौन सा है, अंतः कोण है। अब बोल रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग एक संपूरक होता है यानी कि 180 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या है। तो देखो ई एफ एक तिर्यक रेखा है, इसका एक ही ओर मतलब इससे इधर और इससे इधर, देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण कौन है, यहाँ पर 4 और 5 है, 3 और 6 है, मतलब कोण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ये होगा तो सही, और कोण 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री होगा। लेकिन हमको बताना है यहाँ पर कि 180 डिग्री कैसे हो रहा है, ठीक है, जो बातें हमने पहले पढ़ी है और जानते हैं उसके आधार पर हमको बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि 4+5 और 3+6 जो है वो 180 डिग्री कैसे होता है। यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो, माना कि ए बी और सी डी समांतर रेखा है तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रमशः एम और एन बिंदु पर काटती है। इतना क्लियर है, साबित क्या करना है हमको, कोण 4+5 = 180 डिग्री, मतलब कोण 4+5 कोण इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, कि कोण 3 और कोण 6 = 180 डिग्री। तो चलो अब देख लेते हैं प्रमाण को, ठीक है। तो प्रमाण में अपने को क्या करना है, देख लो प्रमाण में क्या करना है हमको, बहुत सिंपल सी बात करना है। एक बात यहाँ पर और देख लो, हमने रैखिक युग्म अभिगृहित पढ़ा था कि यदि कोई सरल रेखा है उस पर कोई एक और रेखा आ जाए या किरण आ जाए और यहाँ पर P बिंदु पर आकर के मिल जाए, बिंदु कोई भी हो सकता है नाम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आ जाए तो इस ओर का कोण और इस ओर का कोण कितना होता था, 180 डिग्री होता था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और यहाँ से दिमाग में इस बात को रख लो। तो हमको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात लिखना है, चूँकि देखो चूँकि यहाँ से ए बी समांतर सी डी है, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, इसका मतलब देखो यहाँ से कोण 1 और कोण 5 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोण 1 और कोण 5 बराबर हो जाएगा। ऐसे कैसे बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, हाँ ये संगत कोण अभिगृहित से बराबर हो जाएगा, हमने संगत कोण अभिगृहित पढ़ा था। संगत कोण अभिगृहित क्या था, सबसे पहली बात यहाँ देख लो, कोण 1 और 5, कोण 4 और 8, कोण 2 और 6, कोण 3 और 7, देख लिया, गौर से देखना, तो ये संगत कोण है। संगत कोण अभिगृहित बोलता है यदि कोई दो रेखा समांतर हो तो उसमें बनने वाली और कोई एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करे तो बनने वाली संगत कोण का युग्म बराबर होता है, ठीक है, मतलब कोण 1 = 5 हो जाएगा, कोण 2 = 6। इसी तरह से जो भी संगत कोण है उसके जोड़े जो है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए ए बी समांतर सी डी था तो कोण 1 = कोण 5 यहाँ पर हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से देख लो, तथा ए बी, यहाँ से ए एम, गौर से देखना, ए एम ई एन से, ई एन से एम बिंदु पर मिलती है, एम बिंदु पर मिलती है, एम बिंदु पर मिलती है, ठीक है। देखो ए एम
AMEN से M बिंदु पर मिल रही है ना, इसका मतलब क्या है? इसलिए हम लिख सकते हैं कोण एक प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री है ना। लेकिन लेकिन एक बात देखना है यहाँ पर, लेकिन कोण एक बराबर पाँच ये क्या है, साबित किया जा चुका है, साबित हुआ है कोण एक बराबर कोण पाँच। हमने अभी भी बताया कि कोण एक बराबर जो है वो कोण पाँच है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण पाँच प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री। कोण पाँच और प्लस कोण चार, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कोण चार प्लस कोण पाँच बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा पहला भाग यहाँ से साबित हो जाता है। अपने को देखना है अब इस साइड दूसरा भाग, दूसरा भाग हमारा क्या है यहाँ से देखना जरा। अब देखना जरा, अब कोण दो, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए अपना हो जाएगा कोण दो बराबर छः, कोण दो बराबर छः क्यों हो जाएगा, संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से ये बात हो जाएगा, चर्चा कर चुके हैं इससे पीछे। तो ये संगत कोण अभिगृहित से कोण दो बराबर कोण छः यहाँ पर हो जा रहा है। लेकिन अब हमको क्या करना है, देखो बी एम जो है, बी एम जो है वह ई एन को ई एन से एम बिंदु पर मिलती है, एम बिंदु पर मिलती है, मतलब बी एम जो है ई एन से एम बिंदु पर मिलती है, मतलब कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री यहां पर हो जाएगा, कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री यहां पर हो जाएगा। लेकिन यहां से अब इधर देख लो, लेकिन लेकिन यहां देखना कि हमने साबित क्या किया है इससे पहले, कोण दो बराबर छः, लेकिन कोण दो बराबर कोण छः साबित हो गया, ये साबित हुआ है, इसलिए इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, अब इस समीकरण कोण दो के जगह पर हम कोण छः को लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोण दो बराबर कोण छः है, इसलिए कोण छः प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। और यही तो अपने को साबित करना था कि कोण छः बराबर प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 6.4 यहाँ पर कंप्लीट होता है।